बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल अचानक बॉलीवुड ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसे चमके कि अब बस सिर्फ सनी देओल ही सनी देओल है चारों ओर। ऐसे में कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वहां सनी देओल की खुमारी ही छाई हुई है और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सनी देओल की फिल्मों की मांग है। हालांकि सनी देओल का स्टारडम हमेशा से ऐसा नहीं था, सनी देओल का करियर ग्राफ लगातार ऊंचा नीचा रहा है। ऐसे में सनी देओल इस वक्त अपने सबसे बेहतरीन करियर के दौर से गुजर रहे हैं, जहां एक और बॉलीवुड के साथ बॉलीवुड के सुपरस्टारों का बहिष्कार और बाइकॉट करने की मांग उठ रही है, वहीं सनी देओल का स्टारडम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब सनी देओल के स्टारडम से आने वाली बॉलीवुड की फिल्मों को खतरा महसूस हो रहा है। ऐसे में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान आने वाली है, जिसे लेकर शाहरुख खान की बहुत सारी उम्मीदें और लगातार फ्लॉप होने के बावजूद फिल्म को सुपरहिट कराने की जद्दोजहद के साथ सामने आ रही हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आजकल तो लोग उनके बायकॉट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो अपनी फिल्म पर जितना मर्जी पैसा लगा दें, उनकी फिल्म फ्लॉप होनी निश्चित है। और वहीं उनकी फिल्म के सामने अब सनी देओल की फिल्म गदर 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है, पर शाहरुख खान नहीं चाहते कि सनी देओल की फिल्म गदर 2 उनकी फिल्म पठान के सामने रिलीज की जाए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पहले से फ्लॉप फिल्म अगर सनी देओल की फिल्म गदर के सामने लॉन्च की जाती है तो उनकी फिल्म लागत भी नहीं कमा पाएगी, जिस कारण सनी देओल से वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें गदर फिल्म को किसी और शुभ मुहूर्त पर लॉन्च करना चाहिए। हालांकि सनी देओल और गदर 2 की टीम की ओर से ऐसी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि सनी देओल की फिल्म गदर 2 26 जनवरी को रिलीज हो रही है, पर लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार मांग उठती हुई नजर आ रही है कि गदर 2 को शाहरुख खान की फिल्म पठान के सामने ही लॉन्च किया जाए, जिस कारण शाहरुख खान की रातों की नींद गायब हो गई है और शाहरुख खान बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। शाहरुख खान सनी देओल से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो गदर 2 को उनकी फिल्म के सामने ना लॉन्च करें, जिससे उनकी फिल्म को कुछ ना कुछ मुनाफा हो जाएगा। पर देखना दिलचस्प होने वाला है कि लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के बाद क्या अब पठान भी फ्लॉप साबित होने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि गदर 2 पठान मूवी के सामने लॉन्च की जाए तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।